बहुत अच्छा रहा बिकॉज हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस के ही वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इतनी जल्दी कोई मॉडल या कोई और पोस्टर मिलना डिफिकल्ट था. सो आई थिंक मैं बोल भी चुकी थी इन्हें पहले कि मुझे एक म्यूजिक वीडियो करना है एंड ही कॉल्ड मी रात को 12 बजे एंड ही सेड कि सुबह की 5 बजे की फ्लाइट लेके गोवा आ जाओ. आई वाज लाइक ओके ठीक है एंड आई रीच्ड देयर एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जैसे फिल्म्स के सेट्स पे होता है यू हैव अ क्रू ऑफ 500 और 100 पीपल एटलीस्ट. यहाँ हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं, राघव हमारी मैनेजर और हमारा एक फ्रेंड, और हम चारों ने ही मिलके पूरी वीडियो शूट की है. पूरी वीडियो में हम दोनों ने ही मेकअप नहीं किया है. देयर इज नथिंग ग्लैमरस, कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल सिंपल हैं. सो आई थिंक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था एंड आई रियली एंजॉयड इट. वीडियो का थीम ये है कि एक कहानी जो यूजुअली होती है यूजुअली वीडियोस में वो नहीं रखी है इस बार. इट्स अ मॉन्टाज वीडियो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर कैसे लोग हैं और कैसे मैं एक एक सेक्शन में हूँ ओवरलुकिंग विजुअल, कैसे अमिता एक सेक्शन में है जो बीच पे है, शी इज वॉकिंग. इट्स मोर ऑफ मोर ऑफ लेस अ मॉन्टाज वीडियो, जैसे एड फिल्म शूट करते हैं ज्यादातर उस तरीके से शूट किया गया है. एंड ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे दे आर टुगेदर. जो आइडिया है वैलेंटाइंस डे का एंड लव का कि टू बी टुगेदर, मैं एक तरीके से गाना गा रहा हूँ. कुछ सर्टन मोमेंट्स दिखाए गए हैं जो कठे हैं, सर्टन मोमेंट्स दिखाए गए हैं जो अलग हैं. सो इट्स अ वेरी ओपन वीडियो फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, दे कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग एंड वैलेंटाइंस के वक्त ऑफकोर्स फुल आइडिया वॉज अगर मेरा कोई धूमधड़ाके वाला गाना होता तो मैं उसको क्रिसमस पर रिलीज करता. वैलेंटाइंस के लिए वेट किया है इसलिए क्योंकि चाहता था कि एक सॉफ्ट नाइस रोमांटिक नंबर हो. और ऑफकोर्स जितने मेरे पहले गाने आ चुके हैं वो ज्यादातर फास्ट पेस्ड ही थे. तो जो मेरा लास्ट सॉफ्ट गाना रिलीज हुआ था वो 5 साल पहले हुआ था, 5-6 साल पहले हुआ था, दिल है तन्हा करके, जो मॉरिशस में शूट किया गया था, वो अलग सा था. उसके बाद ये एक पहला गाना रिलीज हुआ है दिल की जुबान, जो मैं चाहता था एक बहुत सिंपल सॉफ्ट रेंडिशन ऑफ लव. इसमें कोई पुराना गाना नहीं है, इसी गाने को, इसका कोई रीमिक्स बनाना चाहता भी नहीं था मैं और ना मैं चाहूंगा कि और कोई बनाए क्योंकि ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा गाना है. रीमिक्स इसका ऑफकोर्स अगर आप क्लब में बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से नहीं बच सकता, उसका रीमिक्स बनाना ही पड़ेगा. बट आई फील दैट इट्स अ वेरी प्योर एफर्ट टुवर्ड्स नॉर्मल नेचुरल सॉन्ग. जो पुराने टाइप की कॉम्पोजिशन होती थी उस हिसाब से ही सॉन्ग बनाया गया करता है. उसमें जो जुबा है दिल की वो ज्यादातर प्यार ही उमड़ रही है. अगर आप समझ रहे हैं तो तन्हाई नहीं है. जो 5 साल पहले क्या था उसमें दिल तन्हा था तो उसका नाम था दिल है तन्हा. अभी दिल बोलना चाहता है चीजें तो दिल की जुबान. जैसे अमिता ने बोला कि ये इतना सडन प्लान था और मैं चाहता था कि एक दोस्त मेरे साथ शूट करें राधा देन कि मैं कास्टिंग एजेंट के पास जाके कास्टिंग करता, एक मॉडल लेता, उसके बाद उनके साथ एक यू नो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रैपो होना पड़ता है मॉडल के साथ में जो भी आपके साथ एक्ट कर रहे हैं, सो दैट आप सीन्स कंफर्टेबली कर सकें. उतना टाइम नहीं था. जैसे उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बहुत 4 लोगों ने ही मिलकर वीडियो शूट किया है. कॉन्सेप्ट वॉज कि जहां पे अच्छा लोकेशंस दिखेंगे हम वहां रुक के शूट करेंगे. एक पूरा जर्नी सा प्लान किया गया था. गोवा से वापस बॉम्बे आने वक्त भी गाड़ी में आए हैं, जहां जहां अच्छे लोकेशंस दिखते गए वहां शूट करते गए. और मैंने कुछ सेक्शन जाके लवासा में भी शूट किया.